किसी से वी वांट जस्टिस। अभी हमने देखा कि आपने ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया है, तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है एंड किस चीज़ के लिए आप एनटीए से प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए मैम, ये जो प्रोटेस्ट है ना, ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। इसमें जब मजबूरियां हो जाती हैं ना, तब लोग इतनी दूर आते हैं। जैसे बच्चे बिहार से भी आए हुए हैं, पेरेंट्स भी आए हुए हैं, आगरा से आए हुए हैं, कोटा से बच्चे आए हुए हैं, तो कोई ऐसे तो बाहर निकल के आएगा नहीं। जब उन पर जब कुछ ज़्यादा ही अत्याचार होने लगते हैं तब आते हैं। एक बच्चा जो जेई का बच्चा है, वो 3-4 साल प्रिपरेशन करता है, आजकल 9th क्लास से बच्चा पढ़ने लगता है, और जब वो फाइनल पेपर दे उस टाइम पे उसका पेपर ही ठीक ना हो, सिस्टम खराब हो जाए, नेटवर्क इशू आ जाए, सर्वर इशू आ जाए, आप इतना बड़ा पेपर करा दें आपके पास माउस तक नहीं है, जबकि सिस्टम नया होना चाहिए, बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए। अब बच्चे को क्वेश्चन नहीं दिख रहा तो वो जूम आउट करेगा, उसको जूम इन करेगा, आधा टाइम तो उसमें चला जा रहा है उसका, तो वो कैसे पेपर ठीक से दे पाएगा? रेस्पॉन्स शीट है, रेस्पॉन्स शीट में कुछ और दिखता है, बच्चा कुछ और करके आता है, फर्स्ट डे डाउनलोड करता है उसमें कुछ और होता है, नेक्स्ट डे डाउनलोड करता है उसमें कुछ और होता है, तो ये कब तक चलेगा? जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही जो बच्चे ने अटेम्प्ट किए वो आज तक ठीक नहीं है। जब से एनटीए ने पेपर कराना स्टार्ट किया पिछले 2-3 साल से, सबके साथ प्रॉब्लम आ रही है। नीट का पेपर एक्सचेंज हो जाता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? जिसको आप सेंटर हेड बना रहे हैं तो सब कम से कम अकाउंटिंग से तो पेपर आप भेजते होंगे ना, कितना हिंदी मीडियम का बच्चा है, इतना इंग्लिश मीडियम का, और आप पेपर एक्सचेंज कर देते हैं, तो उन बच्चों के करियर का क्या होगा? उन पेरेंट्स से पूछो, उनके घर में मातम बने हुए हैं, और पिछले 1 महीने से बच्चा अपनी डिमांड कर रहा है, एनटीए को लिख लिख के हार गया, मेल करके हार गया, उनके ऑफिस में विजिट करके हो गया, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा। ये सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? ये सुनवाई क्या, जब इसको देश को अग्निपथ द्वारा बच्चे बना देंगे तब सुनेंगे क्या ये लोग? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग चाहते हैं कि अग्निपथ बने। बच्चे जो आईआईटी के अंदर अभी जाएंगे, जिनकी रैंक अच्छी नहीं है, या जो बिना, आप देखिए कि सेशन वन के अंदर जिसका 1% डायल था, उसका एकदम से 99% डायल हो गया। ऐसा कौन सा दूध पी लिया उसने 24 दिन के अंदर? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपका 24 दिन के अंदर अंदर उसका 99% डायल हो गया, तो बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, और इस स्कैम को उजागर करने की ज़रूरत है। एनटीए को बच्चों की बात सुननी पड़ेगी, आगे आना पड़ेगा, विनीत जोशी सर को भी आना पड़ेगा, एजुकेशन मिनिस्टर सर को भी आगे आना पड़ेगा। ऐसे बच्चों को आईआईटी में नहीं भेजना कि कहीं ऐसा ना हो कि कल को वो एजुकेशन मिनिस्ट्री की बिल्डिंग बन रही है, अभी अगर वही इंजीनियर पहुंच गया वो तो ढह जाएगी, कहीं ऐसा ना हो बहुत बड़ा कल को दुर्भाग्य हो जाए इन लोगों के साथ। तो पता नहीं देश को कहां नहीं जाना चाहते। डॉक्टर है, कल को क्या होगा? नीट को आप बिना रैंक वाले बच्चों को आप अंदर भेजोगे, वो पल को पेट के अंदर कैशिया छोड़ेगा जब ऑपरेशन करेगा, उसको याद ही नहीं रहने वाला, उसकी मेमोरी डाउन होगी। तो टैलेंट को आगे आने की जरूरत है, और एजुकेशन को इनको बर्बाद नहीं करना। एनटीए ऑफिस में भी हम लोग गए, रिप्रेजेंटेशन दिए, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन अभी तक नहीं निकल रहा। तो इसीलिए आज हम जंतर मंतर कर रहे हैं, अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री में जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम सबमिट करेंगे, और हम ये डिमांड करते हैं कि इस टाइप के जो बच्चे हैं इनकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाए सभी बच्चों की, इस टाइप से। ये हमारी डिमांड है एनटीए से भी और एजुकेशन मिनिस्ट्री से। अच्छा, आपके पास कोई पेपर और या फिर ऐसा कोई सबूत है जो आपको दिखा सकते हो सरकार? हाँ बिल्कुल। आपकी सरकार से क्या मांग है? सरकार से हमारी ये मांग है कि जो ये पेपर है, सबसे पहले तो इन बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, और जो एनटीए पेपर कराता है ना, इसको सीबीएसई को कराना चाहिए, ताकि इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इरेगुलरिटीज होती हैं, ये ना, तो इसको सीबीएसई को कंडक्ट कराना चाहिए। ये हमारी गवर्नमेंट है। आपको क्या लगता है जो मतलब ये चीज़ें बार बार हो रही है एजुकेशन सिस्टम में यहाँ पे, ये इन पेपर्स को लेकर, तो आपको इस पर क्या करना है? ये ना, ये बहुत बड़ा स्कैम, आपको पता है ऐसा बहुत बड़ा चीज़ आज के लेकर, तो ये स्कैम है। ऐसे बच्चों को ये लोग आगे भेजना चाहते हैं जिनको कुछ नहीं आता, ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको डुबाना चाहते हैं। आज आईआईटी का नाम होता है, एम्स का नाम होता है, जब वहाँ पे बच्चे ही नहीं जाएंगे तो वहाँ पे कंपनी नहीं आएंगी, और कंपनी नहीं आएंगी तो आईआईटी अपने आप ऑटोमेटिक डूब जाएगा। तो ये सिस्टम को ना ये पूरा डुबाना चाहते हैं। तो हमारी ये डिमांड है कि आईआईटी को बचा लिया जाए, एम्स को बचा लिया जाए, वरना कल को जो एम्स से बच्चा पढ़ के निकलेगा वो ऑपरेशन टाइम पर कैची वेट करने जाएगा, उसको पता ही नहीं होगा ऑपरेशन कैसे करना, जब उसको कुछ आता ही नहीं होगा। तो हमारी डिमांड गवर्नमेंट से ये है कि इसको बचा लिया जाए और इसको सीबीएसई को दे दें, ताकि सीबीएसई अच्छे से पेपर कंडक्ट करें। ये हमारी डिमांड है। ये देखिए,
ये देखिए इसमें आपने देखी सेशन वन में उसका क्या परसेंटाइल था और सेशन टू में उसका कितना इंक्रीज हो गया। तो 24 दिन के अंदर ऐसा कौन सा बच्चे ने दूध पी लिया कि 24 दिन में बहुत ब्रिलियंट हो गया, रजनीकांत कौन सा बन गया, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ये एकदम से एक नहीं बहुत सारे, ये तो मैं एक प्रूफ की वजह से आपको दो तीन दिखा रहा हूँ, अदरवाइज बहुत सारे बच्चों के साथ ये हुआ। कुछ बच्चों के साथ ये हुआ जिनका बहुत अच्छा परसेंट आइल था पहले, उसका एकदम से डाउन हो गया, 3-4% आइल हो गया। तो ये कहने चलूँगा वो ऐसा नहीं करना चाहिए और ये बिल्कुल एक फेयर तरीके से होना चाहिए। जो जिस चीज़ का हकदार है उसको वहाँ पर पहुँचना चाहिए। ये बच्चे हैं उनके साथ का आप एजुकेशन सिस्टम एक देश की नींव होती है जिसको आप दिलाने की कोशिश कर रहे हैं उसको नहीं करना चाहिए। ये हम लोग आपने इस मामले पर कंप्लेंट की थी? हमारी कंप्लेंट NTA का जो ऑफिस है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वहाँ पर भी हम लोग विजिट किया नोएडा ऑफिस में, करीब वहाँ पे 170 बच्चों की एप्लीकेशन मैं खुद सबमिट करा के आया हूँ, उसका रिसीविंग भी है हमारे पास जो वहाँ से रिसीविंग मिला हुआ है। तो कंप्लेंट ऑलरेडी हो गई है और वो करीब 1 महीने उस चीज़ को हो चुका, लेकिन उसकी कोई सुनवाई करना पड़ेगा, अदरवाइज देश को ये लोग चाहते हैं अगली पत्र बनाना तो ये बच्चा नहीं करता। लेकिन पहले क्या है, पहले इनिशिएटिव लिया जाता है ब्याज, उसके बाद अगर नहीं होगा तो फिर और तरीके और बहुत। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल है कि आप इस मुद्दे पे इसको दोषी मानते हैं? देखिए इसका जो दोषी है ना, अगर मेरे घर में कुछ हो रहा है, स्कूल में कुछ होता है, तो दोषी कौन होता है? प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल से पूछेंगे ना गार्जियन तो जाते। तो इसमें जो हम दोषी मानते हैं ना, वो NTA को और एजुकेशन मिनिस्ट्री को दोनों मानते हैं, ये दोनों का काम। तो NTA भी इसमें दोषी है और एजुकेशन मिनिस्ट्री भी इसमें दोषी है, दोनों लोग दोषी हैं। ठीक है, दोनों इसको ठीक कर लें अच्छा होगा, अदरवाइज हम मिनिस्ट्री से ये कहते हैं इस पेपर को CBSE को कराने के लिए दे दें, क्योंकि CBSE अभी भी 30-40 लाख बच्चों का पेपर कराता, कोई किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ दिक्कत आती है तो NTA में दिक्कत आती है, पता नहीं कैसे ये 4-5-10 लाख बच्चों का भी ठीक से पेपर नहीं कराता, स्कैन चला। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो आप लोग ये बोल रहे हैं कि इसमें स्कैम भी हुआ है, आप बता सकते हैं कि कैसा क्या ये स्कैम हुआ है? मेरा नाम विशाल नारायण सिंह है, मेरे छोटे भाई ने एक एग्जाम दिया था, उसका नाम विशाल नारायण सिंह है। ये एक एग्जाम दो सेशन में होता है, जून और जुलाई सेशन में। तो ये लोग आंसर से पहले रिजल्ट से पहले वो रिस्पॉन्स सबमिट करते हैं कि आपके बच्चे ने क्या किया नहीं किया, और आंसर के साथ आप मिला लो आप कितने रॉ स्कोर बन रहे हैं, उस रॉ स्कोर की बेसिस पर आपकी परसेंटाइल तय की जाती है, उसको नॉर्मलाइज करते हैं। तो जून की रिस्पॉन्सिट उन्होंने आई थिंक 3 जुलाई को रिलीज करी, हमने वो डाउनलोड करा 10:15 बजे करीब सुबह में, और उससे हमने मिलाया कि हमारे कितने नंबर बन रहे, तो हमारे 177 out of 300 बन रहे। तो वी वर एक्सपेक्टिंग अ मार्क्स समवेयर अराउंड 98% 99% स्पेसिफिकली वही परसेंटाइल बनती है उस मार्क्स में, तो वी वर एक्सपेक्टिंग अ बेटर रिजल्ट फॉर आवर अवार्ड। तो 11 जुलाई को जब रिजल्ट आया स्कोर कार्ड रिलीज के लिए जून के लिए, तो उसमें उसके 58% बन रहे थे, जो कि उस मार्क से पॉसिबल ही नहीं, मतलब 30 नंबर 35 नंबर पे 58% आती है 177 पे। तो हमने तुरंत ही NTA को मेल किया, और उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया, कम से कम 70 से ज़्यादा कॉल किए NTA को, कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर हमने NTA को स्टेटस रिपोर्ट के लिए फिर फॉलोअप मेल किया, कोई रिप्लाई नहीं, ऐसे 2-3 फॉलोअप मेल और भी किए, कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर हमने HRD मिनिस्ट्री को मेल किया, कोई सुनने को राजी नहीं, PMO किया, कोई सुनने को राजी नहीं, इवन कि CP ग्राम जो यूनियन का यूनियन गवर्नमेंट का जो ग्रीवांस पोर्टल है वहाँ भी हमने डाला, कोई सुनवाई नहीं। हमने सोचा कि चलो हटाओ, हम लोग 1300 किलोमीटर दूर रहते हैं, हमने सोचा कि चलो टेक्निकल इंग्लिश टेक्निकल स्नैक हो गया है जून में, बेस्ट ऑफ टू कंसीडर होता है, जुलाई में बेहतर कर लेंगे, जुलाई में भी थोड़ी हो जाएगा। तो मेरे बच्चे का जुलाई सेशन का एग्जाम 26 जुलाई शिफ्ट 2 में था शाम वाली शिफ्ट, तो वो एग्जाम देके आया तो उसने 64 सवाल किए उस शिफ्ट। लेकिन जब 3 अगस्त की रात को इन्होंने रिस्पॉन्स शीट रिलीज की तो उसमें 0 अटेम्प्टेड दिखा रहा है, 64 सवाल और 0, मतलब आपके बच्चे ने कुछ अटेम्प्ट ही नहीं किया, वो बैठ के बस पेपर पे आ गया। वी वर इन शॉक, मेरे परिवार में तो इतना मातम हो गया, समझो कि आदमी मरने जितना मातम हो गया। मैं अगले दिन की फ्लाइट लेकर दिल्ली आ गया कि अब यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, ऑफिशियल से मिलना पड़ेगा, कोई ग्लिच होगा तो वो लोग सॉल्व कर देंगे। मैं तो आ गया दिल्ली में, अब पहले मैं उनके नोएडा ऑफिस गया, IIT कानपुर के एक आउटरीच सेंटर में उनका ऑफिस चलता है, वहाँ मात्र दोस्त था सिर्फ रिसेप्शनिस्ट, उनको ये नहीं पता कि यही मेन होता कितने नंबर का, और वो लोग बैठे हैं ग्रीवांस रिजॉल्व करने के लिए। तो मैं बोला कि आपसे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, आप किसी ऑफिशियल का नंबर दो, उन्होंने नंबर नहीं दिया, उन्होंने एक ऑफिस का एड्रेस दिया कि NTA का एक ऑफिस ओखला में, अब ओखला चले गए। मैं वहाँ से फिर ओखला गया, ओखला में भी कोई मिलने को राजी नहीं, बहुत जद्दोजहद करने के बाद एक ऑफिसर आए जो अपने आप को विनीत जोशी का एडवाइज़र बताते हैं, मैं एडवाइज़र हूँ, SC गुप्ता नाम है उनका, उनसे मैंने कहा कि सर ये क्या हो रहा है सर, मेरे बच्चे ने 64 सवाल किए थे, 0 अटेम्प्ट दिखा रहा है। तो उन्होंने कहा कि आपके बच्चे सारे डिसलेक्ट कर देंगे, तो मैं क्या करते हैं, बोलिए सर डिसलेक्ट का तो ऑप्शन ही नहीं होता, सारे डिसलेक्ट करने का 1 by 1 करना होता है, तो मैं आपको लॉग शीट देता हूँ, लॉग एक्टिविटी होती है कंप्यूटर का, लॉग एक्टिविटी होता है, तो उन्होंने वो ला के दे दी।
उसमें देखकर दिखाया जा रहा है कि आपके बच्चे ने सारे क्वेश्चन सेलेक्ट करके डी सेलेक्ट कर दिए। सर ये ऐसे कोई कौन कौन करेगा सर? आपके सिस्टम में ब्रिज हुआ, बोला कि ऐसा नहीं होता सर, आपके अपने बच्चे से पूछे क्यों ऐसा किया? तो मैंने कहा कि ठीक है सर, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मेरे बच्चे को दौरा पड़ रहा था, वो पागल हो गया था जुलाई वाले, लेकिन जून वाले में तो उसके 177 आउट ऑफ 300 थे, देखो मेरे पास रिस्पॉन्सिट पड़ी हुई, आप क्या बोलते हो? तुमने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। तो उन्होंने मेरी वो रिस्पॉन्सिट ली, उसमें से उसका जून का रोल नंबर लिखा और एक अलग रिस्पॉन्सिट वो अपने ऑफिस से लेके निकाल के उस रिस्पॉन्सिट में सारे रिस्पॉन्सेज चेंज किए हुए। मेरे रिस्पॉन्सिट से मैंने डाउनलोड करिए 177 नंबर बन रहे थे और उस रिस्पॉन्सिट से मात्र 33 नंबर बन रहे। तो हमने उसे कहा कि सर ये तो गलत है सर, मेरी जो रिस्पॉन्सिट मैंने डाउनलोड करा हुआ है, आप फॉरेंसिक करवा लो, आप जो भी टेस्ट करवाना करा लो। बोला कि आप जाते हो नहीं यहाँ से, आप मैं 420 का केस करूँगा, आपको जेल करवा दूँगा, आपने ये डॉक्यूमेंट डॉक्टर किया हुआ है, यहाँ से भागो नहीं तो अभी तुम जेल में चले जाओ। बोला कि अब ये मानने वाले नहीं है, इन्होंने सारे अपनी व्यवस्था कर ली है कि कैसे बच्चों को यहाँ से भगाना क्या करना है। मेरे साथ अकेले ही कहानी नहीं है, एक आगरा की फैमिली, उनको भी ऐसे ही बोला, मुझे भी ऐसे ही बोला, और फिर ये मानने को राजी नहीं, तो हम लोग वहाँ से निकल गए। अब हम लोग बस दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी टाइडी मिनिस्ट्री वहाँ अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कोई सुन ले, अंततः हम लोग कोर्ट में जाएंगे। अब मिडिल क्लास का आदमी है, कोर्ट की फीस सुप्रीम कोर्ट की आप जान रहे हैं, 2-2.5 लाख रुपये, तो बच्चे को पढ़ाने में खर्चा कितना होता है, आदमी कैसे कैसे करके पढ़ाता है, कोचिंग की फीस 2-2.5 लाख रुपये, स्कूल की फीस कितनी है, मतलब एक बर्डन तो उसके ऊपर और बर्डन। इसका मतलब जेई का एग्जाम अगर बच्चे को करवाना है तो कोचिंग की फी रखो, उसका बाकी कॉस्ट देखो, एक लीगल कॉस्ट की भी तैयारी करो, तभी बच्चा जेई निकाल पाएगा, ये स्थिति है। तो आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि सरकार तक ये बात पहुंचे और इसे सॉल्व करने का प्रयास करो। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि किस लेवल का स्कैम इसके अंदर हुआ। मेरे पास कुछ स्कोर कार्ड है, जैसे कि मान लो कि एक लड़का है, मैं इनका नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, आप ये सामने आना चाहे तो आ सकते हैं, वो मैं दिखाता हूँ आपको। आप ये देखो, इसके जून सेशन में 7% 7.87 और जुलाई सेशन में 96.97। इसका मतलब ये हुआ कि कोई बच्चा जो जून में 5 नंबर लाता है वो जुलाई में 150 नंबर ले आ रहा है। हाउ इज दैट पॉसिबल? बच्चा 9 से तैयारी करता है, आप समझ लो कि 9 से 12 तक 4 साल तो वो हो गए, कोई ड्रॉप कर गया, तो 6 साल की तैयारी होती है, 4 से 6 साल की तैयारी होती है, उसके बाद बच्चा कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाता। ये 24 दिन में कौन सी गुट्टी पी रहे हैं ये लोग? और ये अकेले केस नहीं है, मैं आपको एक और केस बताऊं। इसके साथ साथ केस ये भी है कि जो 150 वाला बच्चा है वो उसके 5 नंबर भी आ रहे हैं, 5 वाले के 150 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। आए ना, 177 थे मेरे भाई के, 33 दिए नहीं लोग। अब देखो अगला मैं बताता हूँ, ये एक बच्चा है, इसके 37% है जून सेशन में, 37% है जून सेशन में, और जुलाई सेशन में इसके बन जा रहे 99.84, मतलब ये 15 नंबर से 250 नंबर पहुंच गया 24 दिन के अंदर। हाउ इज दैट पॉसिबल? मतलब इंडियन ऑल ओवर इंडिया रैंक इसकी मेरे ख्याल से 1500 के आसपास आई। अरे सीआरएल उसमें दी हुई है सर। अच्छा हाँ दी तो है, सीआरएल की 1485, 12 लाख बच्चों में 1485 रैंक आई, जिसका कि फर्स्ट उसमें 37% था। 37% में कितनी रैंक हो गई? मतलब मेरे ख्याल से 4 लाख, 4 लाख रैंक, 4 लाख से वो पहुंच गया 1585 रैंक। अब ये हुआ एक और केस है, ये देखो तीन केसेस तो मेरे पास है, आप अगर ढूंढने जाओगे तो ऐसा आपको हजारों लास्ट ईयर सीबीआई ने। तो हम ये समझना चाह रहे कि इतने जो स्कैम्स हुए हैं, तो इसके लिए आपने कंप्लेन की? कंप्लेन ये सब ये चल ही रहा है, सारा कंप्लेन है, और तो कोई भी कोई कुछ कोई रिप्लाई नहीं। हर लेवल पे करप्शन। मैं पीएमओ को कंप्लेन कर चुका हूं, पीएमओ की रिसीविंग भी है, एनटीए को भी मेल कर चुके हैं, और लास्ट ईयर भी ये हुआ है। लास्ट ईयर का मैं आपको डेटा बताता हूँ, मेरे बच्चे का ही उसका पहले अटेम्प्ट में 143 था, 97.3, सेकेंड अटेम्प्ट में 30 मार्क्स बढ़े, 177 पहुंच गया, परसेंटाइज कम हो गया, 97.3 से 96 हो गया, 30 मार्क्स बढ़ने पर परसेंटाइज कम हो गया, अगली बार 40 मार्क्स और बढ़े, 211 हो गया, थर्ड सेशन में उसका परसेंटाइज और कम हो गया, 97.3 आ गया वापस, 143 पे भी 97.3, 211 पे भी 97.3। क्यों? क्योंकि थर्ड सेशन बुरी तरह अडिक्ट है। आप सीबीआई ने भी पिछले साल कितने बच्चों का 25-26 बच्चों का केस आया था कि पीछे एक्सपर्ट बैठ के पेपर दे रहे हैं, ये 0 से 99% ऐसे हजारों बच्चे हैं पिछले साल भी, इस साल भी। जब तक ये सीबीएसई ने पेपर कराया मैम, देखिए मैम, we also have a neat student also with us and we'll ask her if she is also facing the same problem from the exam. तो हमने सुना कि जेई वालों का जो इतना टेक्निकल डिफिकल्टीज है, नीट में भी क्या वैसे ही सिचुएशन देखने को मिला? नीट में पेपर जो लैंग्वेज का वो चेंज कर दिया और फिर बच्चों से बाद में बोल रहे हैं कि आप दोबारा दे दो इसको और हम वेट कर लेंगे, आप 9 से 9 बजे तक दोबारा दे सकते हो इस पेपर को। हम लोग कब तक ऐसे पेपर देते रहेंगे? और हम लोगों ने डिमांड किया था पहले भी कि हमें अभी नहीं करना है, अभी पेपर पोस्टपोन करिए, तो भी सब इग्नोर करते हैं।
सुनते नहीं है। हम ट्वेल्थ के बाद एक महीना ही बचता है प्रिपरेशन के लिए, जो तीन तीन चार चार साल लगा देते हैं, एक महीने में कैसे कोई इतना ज़्यादा मार्क्स ला सकता है। MBBS में एडमिशन लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब भी सिर्फ एक महीने में कोई कैसे पढ़ सकता है इतना, कोई कैसे टॉप कर सकता है, ऊपर से फिर NTA का सिस्टम खराब। तो हम लोग चाहते हैं कि NTA इसको छोड़े, CBSE कंडक्ट कराए, पेपर लेने ही छोड़ा हमारा। तो इन बच्चों के साथ इतना सारा प्रॉब्लम रहा है कि जब इनको एक वन मंथ मांग रहे थे कि आप अरेंजमेंट ठीक से कर लो लेकिन पेपर अच्छे से करा लेना, वन मंथ दे दो इनको। 17 जुलाई को इनका पेपर था, ये कह रहे थे हमारा 17 अगस्त को ले लेना लेकिन ठीक से प्रिपेयर करके दो। NTA कहता है जी बहुत अच्छे से प्रिपेरेशन है हमारी, हम तो बहुत अच्छे से पेपर कंडक्ट कराएंगे। लेकिन कम से कम भी 18 लाख में से 1.5 से 2 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनका पेपर ही ढंग से नहीं करा पाए ये लोग, तो ये लोग टाइम देते नहीं है। और जब टाइम नहीं देते हैं, अगर आपकी प्रिपरेशन ठीक नहीं है, आप ठीक से प्रिपेयर नहीं है, तो कम से कम वन मंथ बच्चों को और पढ़ने के लिए दे देते और ठीक से प्रिपेयर करके पेपर करा लेते, क्योंकि लेकिन इनको तो स्कैम करना है, बच्चों को आगे भेज देना है। तो जब ये स्कैम करना तो ये क्यों कराएंगे टाइम से, तो यही प्रॉब्लम है NTA की। तो इसलिए सारा बच्चा कहता है कि इनका एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट सारे बच्चों का द्वारा से होना चाहिए, और साथ के साथ इस पर CBI जाँच होनी चाहिए। और ये NTA से लेकर एजुकेशन मिनिस्टर से हम बोलना चाहते हैं, NTA से उठा के इसको CBSE को दे दो, CBSE नेक्स्ट टाइम से पेपर कराएगा, बड़ा अच्छा होता है, ट्रस्ट है CBSE पर सबको। IIT जो एडवांस का पेपर कराता है आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं है, CBSE ने जब तक पेपर कराए कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन NTA ने जब से कराया तब से स्कैम ही चल रहा है पिछले 3-4 साल। तो इसमें अभी जो हमने सुना कि इतना परसेंटाइल चेंज हुआ है, वेरी मच यू नो टेक्निकल डिस्क्रिपेंसीज दिखी, तो इससे आपको एडवांस भी नहीं मिल रहा है? NTA तो ने तो साफ डिनाई कर दिया, कोर्ट में भी डिनाई करा था, फिर जो चीफ जस्टिस है उन्होंने ये भी बोला था कि उन्होंने 250 बच्चों को फ्री अटेम्प्ट के लिए बोला था, उन्होंने बोला था कि आप इन 250 को क्यों दे रहे हो, फिर उन्होंने बोला भी था झूठ क्यों बोल रहे हो कोर्ट में, मतलब चीफ जस्टिस ने भी डांटा है। और आपको कितना बड़ा ये स्केल पे हुआ है ये बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हुई थी, जैसे कि रिजल्ट में एक रिस्पॉन्स की में प्रॉब्लम आई है बच्चे की, एक सर्वर इशू मतलब कंडक्शन में प्रॉब्लम आई है, और एक एडमिट कार्ड, मतलब जो जो चीज़ें होती हैं हर एक स्टेप पे, सिर्फ रिस्पॉन्स की सेशन वन की सिर्फ रिस्पॉन्स की में 20,000 बच्चों ने रजिस्टर करा था कि हमारे रिस्पॉन्स